बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे 500 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो चुके हैं। और आप लोगों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है आइंदा भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, जो है गांव में आई हूँ और आप लोगों को भी गांव का विजिट करवाते हैं, पंजाब का कल्चर दिखाएंगे। आज मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बादल जो है वो गरज चमक के साथ जो है वो अभी गरज रहे, बरस नहीं रहे। तो प्यारे व्यूअर्स, आप साथ रहिएगा और जुड़े रहिएगा साथ में आप लोग। तो आज जो है मैं आप लोगों को अपने गांव का विजिट करवाएंगे। हमारा देसी माहौल, देसी सिस्टम जो है, आज गांव में कामकाज की रूटीन क्या होती है, और माल मवेशी दिखाएंगे, ट्यूबवेल दिखाएंगे, घास दिखाएंगे, और जो घास कैसे काटने का तरीका होता है, घास काटते हुए दिखाएंगे, टोगा करते हुए दिखाएंगे। और साथ रहिएगा, चले चलते हैं, आपको एक चीज दिखाती हूँ। अब जो है ट्यूबवेल पे आ चुकी हूँ, ट्यूबवेल का विजिट करवाते हैं आपको, और साथ साथ रहिएगा, देखते रहिएगा, तो इसका भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आज जो है हम लोग आए थे ट्यूबवेल पे, तो हमने सोचा कि खेतों को पानी शानी लगा के आते हैं, लेकिन आते ही यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। और आप देखें ऊपर काले काले बादल है, मौसम को अगर दिखाऊं तो बारिश वाला हो गया बिल्कुल, ऐसे ही है कि अभी भी किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत ट्यूबवेल है यहाँ पे। ये हमने चलाई नहीं है क्योंकि बारिश वाला मौसम हो गया है, अब हो सकता है बारिश आ जाए और इधर से हम ट्यूबवेल चला के खेतों को पानी लगा गए तो ये ओवर हो जाएगा, फसलें जो है इनको नुकसान होगा, फसलें खराब हो जाएंगी। तो इसलिए जो है अब ट्यूबवेल पे ट्यूबवेल नहीं चला रहे, लेकिन आप लोग को ट्यूबवेल का विजिट करवा देते हैं। ये आप हमारी ट्यूबवेल देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे जब चलेगी तब भी जो है आप लोगों को जो है इसका विजिट जरूर करवाएंगे। तो ये लसूड़ा है, यहाँ पे जो है लसूड़े लगते हैं और लसूड़े का अचार भी बनता है, साथ में खजूरें लगी हुई है भी है। तो ट्यूबवेल जो है ये तो अभी चली नहीं है, बस मैं आप लोगों को ऐसे ही विजिट करवा रही हूँ, आप लोग देख लें। तो यहाँ पे जो सबसे माल दिखाएगी, मैं डेरे पे आई हुई हूँ, चलो ये देखे, ये मेरा जो है इसको मैं लेके जा रही हूँ बांध रहे, और इसको घास खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। यहाँ पे दिखाऊं, ये हमारे पास घास का तो माल मवेशी का आ चुका है, अब जो है इधर टोका करने लगे हैं। टोका आपको कुछ कर लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये जो है हम इनको खिला देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर हैं, देखें आप मजे से ये खाएंगे। इनका जो है खाने का टाइम हो चुका है, तो साथ रहिए, कुछ और करते हैं, कुछ और दिखाते हैं। एक डेरे में मौजूद हूँ, बहुत ही खूबसूरत डेरा है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जानवर है। यहाँ पे जो है जानवरों का ये चारा पड़ा है, इसका आप लोग को विजिट करवाने लगी हूँ। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें आप, देखें तो ये जानवरों का चारा पड़ा है। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, ये जो है सारा जो है सुबह के टाइम जो है सारा गाड़ के हम रख लेते हैं। इस टाइम जो है अब हम टोका करेंगे, ये मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये आप देखें इधर। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं टोका मशीन है, यहाँ पे सारा जो है चारा जितना भी है पे हम टोका करते हैं। और आगे आप लोगों को दिखाती हूँ टोके वाली मशीन, आप लोगों ने देखी है। और साथ में ये यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे छोटा सा जो है हमने बोल काट लिया है। यहाँ पे जानवरों को पानी भी पिलाते हैं और इसको ये जानवरों को नहाया नहलाया भी जाता है, बहुत ही अच्छी जगह है, साफ सुथरी। हमारी एक साइड पे एक लाइन पे जो है वो भैंसे खड़ी हैं इस साइड पे सारी,
और इस साइड पे आप देखें तो ये गाय है और उससे अगली साइड जो है वो उनके बच्चे हैं। तो ये सारी जब तक चारा डाल दिया है अपने ये खा रही हैं और उसके बाद जो है इनको दूध निकालने की बारी आएगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दूध कैसे निकाला जाता है वो भी आपसे जरूर शेयर करेंगे, तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और साथ में ये देखें ये छोटी छोटी मुर्गियां हैं, इनके बच्चे भी हैं, ये असली मुर्गियां हैं और असली बिल्कुल। जी तो प्यारे व्यूअर्स, आज के व्लॉग का आगाज जो है वो यहीं पे इख्तिताम कर रही हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सबका चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे व्यूअर्स, एक दफा फिर से आप लोगों को याद करवा दूं, क्योंकि आज मेरे 500 सब्सक्राइबर जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं, और इसके लिए भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक आपको खुश और खुशहाल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, और किसी नए अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।